नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैम प्लस स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेकर के UPSC एग्जाम में आने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का हमारा चैप्टर है संधि। इससे बनने वाले 37 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ जो आने वाली यूपी पुलिस के परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूँ, मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपको इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करना है। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। तो उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या आएगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत् प्लस लंघन बराबर उल्लंघन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको बताना, इनमें से किस शब्द में यण संधि यानी चारों विकल्प में से कौन सा वो विकल्प है जो यण संधि का उदाहरण है? तो ये देवाग्यम जो शब्द है ये यण संधि का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यद्यपि का संधि विच्छेद है। तो यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यदि प्लस की अपि बराबर यद्यपि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो आपको बताने इन चारों में से कौन सा वो विकल्प है सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या प्लस की आरती बराबर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नायक शब्द का सही संधि विच्छेद, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका नए प्लस की अक बराबर नायक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य प्लस के उदय बराबर सूर्योदय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस के अन बराबर के पवन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, उद्योग का संधि विच्छेद होगा यानी उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत् प्लस के योग बराबर उद्योग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ शब्द में संधि आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यावश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका विद्या प्लस की अभ्यास बराबर विद्याभ्यास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी प्लस आरोपण बराबर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी प्लस आरोपण बराबर प्रत्यारोपण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, उज्ज्वल के चार संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। कौन सा का सही विकल्प हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत् प्लस के ज्वल बराबर उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण यानी प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक शब्द में संधि है यण संधि, ऑप्शन नंबर के सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्घाटन का संधि विच्छेद है। तो उद्घाटन में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो उद्घाटन शब्द में संधि है उत् प्लस के घाटन बराबर उद्घाटन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? यानी आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प है जो गलत दिया गया है। तो जो परोपकार शब्द है ये गलत है, ये संधि विच्छेद सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पुनः प्लस जन्म की संधि क्या? तो इसकी संधि क्या हो जाएगी? तो इसकी संधि हो जाएगा पुनर्जन्म, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद है, तो वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वीर प्लस के आंगना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मम प्लस ईश्वर की संधि है, तो मम प्लस ईश्वर शब्द की संधि क्या हो जाएगी? तो इसकी संधि हो जाएगी आपकी ममेश्वर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गायक का संधि विग्रह है, तो गायक शब्द का संधि विग्रह क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गाय प्लस की अक बराबर गायक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पवित्र शब्द का संधि विग्रह है, तो पवित्र शब्द का संधि विग्रह क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो पवित्र शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस के इत्र बराबर पवित्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा पो प्लस के इत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों, पृथ्वी प्लस छाया की संधि है, तो पृथ्वी प्लस छाया की संधि क्या हो जाएगी? तो इसकी संधि हो जाएगी पृथ्वी प्रतिच्छा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों, निम्न में से कौन सी संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो इन चारों में से कौन सी वो संधि है जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो ये जगन्नाथ जो शब्द है वो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बधुत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? तो बधुत्सव संधि विच्छेद रूप है बधु प्लस के उत्सव बराबर बधुत्सव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि सही है? तो इन चौरों में से कौन सा विकल्प है जो सही है? तो छांटिएगा विकल्प और बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर। तो पितृ प्लस अनुमति बराबर पितृ अनुपति ये सही है, बाकी के तीनों विकल्प हैं वो गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो इन चारों में से कौन सा विकल्प है जो गलत है? तो ये पृथ्वी प्लस प्रतीक्षा जो शब्द है, पृथ्वी प्लस इच्छा ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की सही संधि नहीं है? तो कौन सा विकल्प है जिसकी संधि सही नहीं है यानी गलत है? तो सत प्लस नारी सद्य नारी ये गलत है, बाकी के तीनों विकल्प वो सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द का सही सॉरी किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है यानी गलत है और तीनों को विकल्प वो सही हैं? तो महात्मा है बराबर महा प्लस आत्मा ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जानू, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है यानी कौन सा विकल्प है वो गलत है, बाकी के तीनों विकल्प हैं वो सही हैं? तो अधि प्लस अधीन बराबर अध्याधीन ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जानू, किस शब्द की संधि गलत है? कौन सा विकल्प है जिसकी संधि गलत है? तो ये विकल्प है न प्लस उड़ा बराबर नौगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताऊँ, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? कौन सा विकल्प है जो चारों में से उसका संधि विच्छेद सही दिया गया है? तो ये ऐसा प्लस के द बराबर यशोदा होता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताऊँ, शंकर शब्द का संधि विच्छेद है, तो शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस के कर बराबर शंकर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो अब आपको बताना है कि निश्चय शब्द में कौन सी संधि है। तो निश्चय शब्द में विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको, उन्होंने परीक्षक शब्द में कौन सी संधि है? तो परीक्षक शब्द में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो परीक्षक शब्द में संधि है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अभ्यर्थी शब्द के सही संधि विच्छेद वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इन चारों में से अभ्यर्थी का संधि विच्छेद कौन सा सही है? तो अभी प्लस के अर्थी बराबर अभ्यर्थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु प्लस के अरी में संधि कीजिए। तो मधु प्लस के अरी में कौन संधि हो जाएगा? तो मधुरी को हो जाएगा
मत द्वार भी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर प्लस के इंद्र बराबर नरेंद्र में संधि है, तो नरेंद्र में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो नरेंद्र शब्द में संधि है गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो इन चारों में से कौन सा वो विकल्प है जो वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो जो एक एक शब्द है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।